माँ त्रिपुरा के दरबार में पहुंची एक्ट्रेस जया प्रदा। जबलपुर के भेड़ाघाट का किया नौकायन, बोली यहाँ फिल्म सिटी बनाया जाए, पूरी दुनिया देखेगी इसकी सुंदरता। नमस्कार, मैं हूँ शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। जबलपुर आई अपने जमाने की मशहूर फिल्म एक्ट्रेस जया प्रदा ने माँ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंची और मत्था टेका। माँ के दरबार में मन्नत वाले नारियल बांधे और हिंदू नौबर्स की जबलपुर सहित देशवासियों को बधाई दी। जया प्रदा ने भेड़ाघाट पहुंचकर नौकायन किया और संगमरमर की मूर्तियां भी खरीदी। भेड़ाघाट में फिल्मों की शूटिंग के लिए सुविधाएं बढ़ाने की वकालत की। बोली कि इससे यहां की सुंदरता को पूरे विश्व में दिखा सकेंगे। फिल्म एक्ट्रेस जया प्रदा जबलपुर में एक होटल के उद्घाटन के सिलसिले में आए हैं। नवरात्र के पहले दिन अचानक अपने बीच जया प्रदा को देख माँ त्रिपुरा सुंदरी पहुंचे भक्तों को भी विश्वास नहीं हुआ। जया प्रदा ने सबसे पहले माँ का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ ही सेल्फी लेने वालों की होड़ दिखी। जया प्रदा ने न्यूज एजेंसियों से बातचीत में कहा कि सालों से इस धरती को नमन करने की सोच रही थी, आज वो अवसर मिला है। माँ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में एक असीम ऊर्जा का अनुभव हुआ। जया प्रदा यहाँ से विश्व प्रसिद्ध भेड़ाघाट पहुँची। यहाँ भेड़ाघाट फाल देखा और फिर पंचवटी घाट पहुँच कर मार्बल रॉक के बीच से निकली। माँ नर्मदा की अथाह जलराशि पर नौकायन का आनंद लिया। माँ नर्मदा को नमन करते हुए जया प्रदा ने कहा कि भेड़ाघाट के मार्बल बहुत सुंदर है। यहाँ की हवा, पर्यावरण, मार्बल रॉक की सुंदरता और जबलपुर के लोगों का प्यार देखकर अभिभूत हूँ। जबलपुर पहली बार आई हूँ, लेकिन लोगों से मिलकर लगा ही नहीं कि यहाँ के लोगों के लिए मैं अनजान हूँ। भेड़ाघाट सहित आसपास काफी नेचर वाले पॉइंट हैं। यहाँ पर्यटन के साथ सरकार सुविधाएं बढ़ाए तो कई फिल्मों की शूटिंग होगी। भेड़ाघाट को मुख्य केंद्र बनाकर इसका विकास करना चाहिए। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का मुकाबला नहीं, फिल्मों के माध्यम से हम पूरे विश्व को जबलपुर के बारे में बता सकते हैं। जयप्रदा राजनीतिक पृष्ठभूमि से भी जुड़ी रही हैं। वे रामपुर से सपा की सांसद रह चुकी हैं, बाद में बीजेपी के नजदीकी आ गई हैं। मोदी की वो कायल है। बोली, पीएम नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास जमीन पर भी दिखता है। यही कारण है कि यूपी में मोदी व योगी को जनता ने फिर से मौका दिया है। कोई भी नेता हो, यदि वह लोगों के बीच और लोगों के लिए काम करता है तो वह बार बार चुनकर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज। जबलपुर में मैं कई दिन से सोच रही हूँ, कई सालों से सोच रही हूँ, लेकिन इस धरती में मुझे बहुत प्यार मिला। अभी मैं पहली बार आई और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा कि जो सुंदरता है, जिस तरह का लोगों का दिल का सुंदरता है, उसी तरह इस धरती में भी प्यार और सब कुछ मिला। उनके लिए मैं सरकार से भी, मैं आपके चैनल के नाते मैं उनको बोलना चाहती हूँ, उनको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये इतना सुंदर जगह है, कई शूटिंग्स भी हुए हैं, तो एक शूटिंग के लिए एक सुंदरता को डेवलप करके एक मुख्य केंद्र बनाना चाहिए, ताकि लोग यहाँ आएं और हम लोग फिल्म्स के नाते दुनिया को दिखा सकें।